सिंदूर बेसिक प्रोडक्ट है, हर रोज रूटीन में काम आता है, हर महिला के लिए, हर इंडियन लेडीज इस्तेमाल करती है, इनके दिन की शुरुआत इससे होती है। अगर कोई भी महिला लोकल प्रोडक्ट यूज कर रही है और थोड़ी दिन बाद बोलती है कि मुझे इचिंग हो रहा है, रैश हो रहा है, मुझे हेडेक हो रहा है, क्योंकि मेरी स्किन को तो सिंदूर सूट ही नहीं करता, इसलिए मैंने लगाना ही बंद कर दिया, ये बहुत गलत मानसिकता है आपकी। आप लोगों ने गलत प्रोडक्ट इस्तेमाल किया था, इसलिए आपको वो सूट नहीं कर रहा। आप ये मत सोचिए कि मेरी स्किन को ये सूट नहीं करता, आपने गलत प्रोडक्ट इस्तेमाल किया है जिसमें ढेरों केमिकल्स है, हमें पता भी नहीं है कितने केमिकल है, और हम ऐसी जगह अप्लाई करते हैं जहां पर हमें नोट होता है, हमें रहता है कि हमारे सर पर हमने कुछ अप्लाई किया है, अगर वो गलत है, इचिंग हो रहा है, रैश हो रहा है, तो पूरा दिन हमारा हेडेक रहता है, हमें हेडेक रहता है, हम लोग इरिटेट रहते हैं, हमें हमारा सर भारी लगता है, और इचिंग रैशेस भी हो रहा है, हमारी स्किन डैमेज भी हो रही है, और हम इसे अगली बार से अप्लाई करना ही बंद कर देते हैं। तो ये है कि लोकल प्रोडक्ट को छोड़ दीजिए, लोकल प्रोडक्ट इस्तेमाल ही नहीं करना है, इसकी ड्यूरेशन बहुत अच्छी होती है। तो आप लोग ये मत सोचिए कि हम ब्रांडेड देंगे, लोकल अगर आप लेते हैं तो क्या होता है, लोकल में वो थोड़े दिन चलता है, जल्दी से सूख जाता है और आपको फेंकना पड़ जाता है, तो थोड़े ही दिन में आपको फिर से लाना पड़ रहा है, तो वो और ज्यादा महंगा है। इससे बेटर है कि एक ही बार में आप थोड़ा अच्छी क्वालिटी का ले लीजिए जो ज्यादा समय तक टिका रहे आपके घर में, ऐसे हमें काम करना है। तो हमें ये जो सिंदूर है, लोकल प्रोडक्ट से हम कंपेयर नहीं करते हैं, इसको हमने अच्छे से अच्छी क्वालिटी में बनाया है, ऐसा कोई केमिकल नहीं है जो आपकी स्किन पर रैश करेगा, इचिंग करेगा, हेडेक करेगा, आपकी स्किन को डैमेज करेगा, पानी से भी नहीं फैलता है, पसीने से भी नहीं फैलता है, मच प्रूफ है, लिक्विड है, रेड कलर में, हर इंडियन लेडी हर घर में इस्तेमाल करती है।